हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग सिस्को राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर राउटर्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और पीसीज को कैसे आईपी एड्रेस और गेटवे प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक डिवाइसेस पर जो लाइट ब्लिंक हो रही है वो ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है, यानी कि सभी इंटरफेसेस जो हैं वो अप हो चुके हैं। अब अगर हम लोग चेक करना चाहें कि क्या ये सभी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं पिंग कमांड। पिंग कमांड के द्वारा आप किसी भी इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो कि वो इंटरफेस किस किस अनदर इंटरफेस से या डिवाइसेस से पिंग कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, किसी भी पीसी पर चलते हैं या किसी भी राउटर पर जाकर हम लोग पिंग कमांड यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी चलता हूं 50.002 वाली मशीन पर। ये देखिए जरा, चाहे तो आप यहां पर कमांड के द्वारा आप ये देख भी सकते हो। तो मैं अभी 50.002 वाली मशीन पर हूं, यानी कि इस वाली मशीन पर। तो सबसे पहले मैं अपने ही नेटवर्क में चेक करता हूं कि क्या ये मशीन 50.003 वाली मशीन से पिंग कर रही है। ये देखिए जरा, प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है मुझे 50.003 से। इसी तरह 50.004 वाली मशीन से पिंग करके देखता हूं, ये देखिए प्रॉपर रिप्लाई मिल रहा है मुझे वहां से, यानी कि पिंग कर रहा हूं मैं। ठीक है, यानी कि ये तीनों पीसी जो है आपस में पिंग कर रहे हैं सक्सेसफुली। अब मैं चेक करता हूं क्या ये मशीन अपने गेटवे यानी कि राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट से पिंग कर रही है या नहीं, जो कि है हमारा 50.001। तो इसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे पिंग स्पेस डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस। ये देखिए दोस्तों, गेटवे से भी प्रॉपर पिंग कर रहे हैं हम लोग, यानी कि ये सभी मशीन यहां तक पिंग कर रही है। अब मैं चाहता हूं राउटर 3 के सीरियल 0/0, जिसको मैंने 40.002 आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है, क्या उससे कनेक्टिविटी अप है या नहीं। तो इसके लिए मैं कमांड यूज करता हूं पिंग स्पेस 40.002, और ये देखिए जरा, ये वाली डिवाइस यहां तक पिंग कर रही है। अब मैं चेक करता हूं क्या ये 50.002 वाली डिवाइस राउटर 2 के सीरियल 0/1, जिसे मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 40.001 से पिंग कर रही है या नहीं। तो चेक करने के लिए पिंग स्पेस 40.002 आईपी एड्रेस, सॉरी, उसको हमने असाइन किया हुआ है 40.001, सॉरी। तो इसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं 40.001 एंटर, और ये देखिए दोस्तों, आई थिंक यहां से पिंग नहीं कर रही है। देखिए, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ चुका है, RTO, जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट। अगेन रिक्वेस्ट टाइम आउट, अगेन रिक्वेस्ट टाइम आउट। एंड अगेन रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि अगर हम लोग देखें कि अभी हम लोग अपने नेटवर्क में पिंग कर रहे हैं, अनदर राउटर पर हम लोग पिंग नहीं कर पा रहे हैं अभी, यानी कि हमारी जो कनेक्टिविटी है केवल अपने ही नेटवर्क पर है। अब चलते हैं हम लोग एक अनदर पीसी पर, जो कि है 30.002। अब मैं यहां से चेक करता हूं मैं कहां तक कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो इसके लिए हम लोग आ चुके हैं 30.002 वाली मशीन पर। यहां से आप कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने ही नेटवर्क में कनेक्टिविटी चेक करता हूं 30.002 से, मैं चेक करता हूं 30.003 को। देखिए, प्रॉपर रिप्लाई मिल रहा है,
अब 30.004, यहां से भी प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है। अब मैं गेटवे को पिंग करता हूं जो कि है हमारा 30.001, यानी कि राउटर का फास्ट इथरनेट पोर्ट। टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए गेटवे से भी पिंग कर रहा हूं मैं। अब मैं चेक करता हूं इस पीसी से राउटर टू के सीरियल 0/0 पोर्ट, जिसे मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 20.002, 20.002। ये देखिए यहां से भी प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है, यानी कि राउटर टू के सीरियल 0/0 से भी पिंग कर रहा हूं। अब मैं चेक करता हूं राउटर टू के ही एक अनदर इंटरफेस जो कि है सीरियल 0/1, जिसे मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 40.001। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं पिंग स्पेस 40.001 एंटर। ये देखिए जरा, ठीक है दोस्तों। अब मैं चेक करता हूं क्या ये पीसी राउटर वन के सीरियल पोर्ट को पिंग कर रहा है जिसका आईपी एड्रेस है 20.001, 20.001। ये देखिए दोस्तों, यहां से भी आई थिंक रिक्वेस्ट टाइम आउट। माय गॉड, अगेन रिक्वेस्ट टाइम आउट। अगेन आरटीओ एंड फाइनली ऑल्सो रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब मैं चेक करता हूँ राउटर थ्री के सीरियल 0/0, जिसको आईपी एड्रेस हमने असाइन किया हुआ है 40.002, क्या उससे पिंग कर रहा है? फाइनली रिक्वेस्ट टाइम आउट अगेन, आई थिंक या रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। अगेन रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि दोस्तों यहां पर भी मैं केवल अपने नेटवर्क में ही कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, अनदर राउटर पर मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, या अदर अनदर नेटवर्क से मैं अभी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं राउटर टू पर भी। अब चलिए राउटर वन पर चेक करते हैं। राउटर वन के 10.002 वाली मशीन पर चलते हैं। ये देखिए मैं अब 10.002 वाली मशीन पर आ चुका हूं, यानी कि इस वाली मशीन पर। अपने नेटवर्क में चेक करते हैं सबसे पहले 10.003 वाली मशीन को, प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, 10.004 प्रॉपर रिप्लाई मिल रहा है। अब गेटवे से पिंग करते हैं जो कि राउटर वन का फास्ट इथरनेट पोर्ट है, जिसे मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 10.001। गेटवे से भी प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है। अब राउटर के सीरियल 0/0, जिसे हमने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 20.001, यहां से भी प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है। अब मैं चेक करता हूं राउटर टू के ही सीरियल 0/0 पोर्ट, जिसे मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 20.002। आई थिंक आरटीओ या फिर रिप्लाई आएगा, अगेन आरटीओ रिक्वेस्ट टाइम आउट, अगेन ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों रिक्वेस्ट टाइम आउट की अभी टेंशन मत लेना, क्योंकि एक्चुअल में जहां तक मैंने अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन कराई है, ये करने के बाद अगर आप अपने नेटवर्क के हर एक इंटरफेस से प्रॉपर पिंग कर रहे हो तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं जहां जहां पर मैं अभी आपको ये सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर आप अपने नेटवर्क के हर एक इंटरफेस से पिंग कर रहे हो तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात आती है कि
जब भी मैं एक राउटर से दूसरे राउटर पर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट मिलता है। चाहे जब मैंने राउटर 3 से राउटर 2 पर कनेक्ट करने की कोशिश की थी तो वहाँ पर भी रिक्वेस्ट टाइम आउट, फिर मैंने राउटर 2 से राउटर 3 से कनेक्ट करने की कोशिश की, अगेन रिक्वेस्ट टाइम आउट, राउटर 2 से ही राउटर 1 पर कनेक्ट करने की कोशिश की, वहाँ पर भी रिक्वेस्ट टाइम आउट, फिर मैंने राउटर 1 से राउटर 2 पर डेटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, कनेक्टिविटी चेक करने की कोशिश की, अगेन रिक्वेस्ट टाइम आउट। ये क्यों हो रहा है? एक्चुअल में दोस्तों, अगर आप एक राउटर से दूसरे राउटर पर डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पहले रूट डिसाइड करने पड़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं राउटिंग। जब तक हम लोग मल्टीपल राउटर पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए रूट डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक आप एक राउटर से दूसरे राउटर पर डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो राउटिंग होता क्या है, किस पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं, कितने टाइप की राउटिंग होती है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और राउटिंग कैसे कन्फिगर करेंगे ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।